वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी हेयर केयर करने जा रही हूँ, तो क्यों ना बालों के बारे में आपसे थोड़ी सी बातचीत करी जाए। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ वेरियस चीज़ें अप्लाई अपने बालों में करेंगे और हम सडनली बालों की ग्रोथ बढ़ा लेंगे, हेल्थ बढ़ा लेंगे और एकदम बालों में एकदम जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया है और अब भी जिक्र कर रही हूँ, जब आप अच्छा खाते हैं, जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप प्रॉपर योगा करते हैं, आप जो आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उन पे काम करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं, तब आपके बालों में बिना कुछ लगाए भी आपको फर्क दिखाई पड़ता है। नॉट इवन इन योर हेयर्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी स्किन पे भी फर्क दिखाई पड़ता है। तो ये बात हुई जो हमारे हाथ में है, चीजों को अप्लाई करने के साथ साथ हम इन चीजों पे भी गौर करके अपने बालों की हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रैवलिंग में थी और सर्दियां भी गई हैं। मेरे को पर्टिकुलरली बालों में मेहंदी लगाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये मैं ग्रेइंग को छुपाने के लिए नहीं करती, ये मैं कंडीशनिंग के लिए करती हूँ। मुझे लगता है कि हिना मेरे बालों में सूट करती है और मुझे हिना की जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो मैं आज ऐसे ही करने वाली हूँ, हिना पैक अपने बालों में लगाने वाली हूँ। उसमें मैंने कुछ अलग तरीके की चीजें, इन्ग्रीडियंट्स ऐड किए हैं और आप लोगों को भी बताऊंगी कि मैं हिना का एक पैक इस तरीके से भी बनाती हूँ, जिसको लगाने की वजह से आपको बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम से मिलता है छुटकारा। तो बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए, देखते रहिए यूपी 32 जिंदगी जिंदा। तो आज जो ये चाय उबल रही है, ये मेरे पीने के लिए नहीं बल्कि मेरे बालों की केयर के लिए उबल रही है। और साथ में यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बहुत सारे सामान, जिसमें पहली थी मेहंदी, ये है हल्दी और आगे भी आपको चीज़ें मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या मिलाती हूँ। और ये है नीम का पाउडर, ये वाइल्ड ऑर्गेनिक का है और आप सब जानते हैं कि नीम हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक नया प्रोडक्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, वो है बीट रूट का पाउडर, यानी बीट रूट यानी चुकंदर और उसका बना हुआ ये पाउडर। इजीली अवेलेबल है पर्पल पे और सब चीज़ों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सबसे बड़ी बात, जो आप इसमें हल्दी मिलाते हैं ये आपको अच्छा कलर तो देती है और साथ ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ आपको हल्दी आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनाती है। बीट रूट जो है वो बालों के जो आपके झड़ने का पैटर्न होता है उसमें कुछ अच्छे सुधार करता है और आपके बालों में धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। इसमें विटामिन ए और कैल्शियम होता है। ये है नीम का पाउडर। हम सब जानते हैं नीम का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से हमारे बालों और स्किन केयर के लिए यूज़ होता आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रिवेंट करता है डैंड्रफ से और जो भी आपके बालों में इनरेगुलेशन है ऑयल सेक्रीशन का, उसको भी बैलेंस करता है। तो है ना जादुई और कमाल की चीज़। सबसे अच्छी बात, आसानी से उपलब्ध है और बालों में लगा करके हम बालों में धीरे धीरे उसके पैटर्न में चेंज करके अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है जब आप अपने लिए केयर का एक छोटा सा हिस्सा भी चुनते हैं या करते हैं, आपको दिल से खुशी होती है। चाय पत्ती के इस्तेमाल को लेकर मैंने एक और वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप इंडिविजुअल भी इस प्रोडक्ट को अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं और जादू देख सकते हैं इंस्टेंटली। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। कोशिश कर रही हूँ कि जितने लम्स हैं उनको अच्छी तरीके से मैं इसमें मिला दूँ ताकि कोई भी ऐसा लम्प ना रह जाए और सारी मेहंदी का इस्तेमाल हो सके। प्रोडक्ट जो मैंने डाला है बीटरूट की वजह से बहुत बेहतरीन कलर आता है बालों में। और ये ओवरनाइट के बाद का सीन है, जो मैंने लोहे की कढ़ाई में मेहंदी भिगोई थी उस पर देख रहे हो आप, ये जो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है ये आयरन कास्ट है, जो आयरन की कढ़ाई में भिगोने की वजह से ऐसा है। पर बालों के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो ही हाय, मैंने जस्ट अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आप यहाँ पे ऐसे डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे कलर दिख रहा है और यहाँ पे स्किन। अभी मैंने मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया, असल में यहाँ पे बेबी हेयर्स थे तो मुझे वहाँ तक कवर करना था मेहंदी। मुझे लग रहा था सब में न्यूट्रिशन हाइड्रेशन बालों में मिले, ये थोड़ा ऐसे करके आया। सो अच्छा है, जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो काफ़ी बेहतर है। मैं बैठ के आराम से बात करती हूँ क्योंकि कैमरा भी मेरे साथ साथ बहुत मूव करता है। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हाँ, तो अब करते हैं बात इसके बारे में। यहाँ का कलर ज़्यादा डार्क है लेकिन अच्छा है। मुझे बाल अभी तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे वॉश होने के बाद लगते हैं। मैंने इन्हें शैम्पू नहीं किया है, जस्ट पानी से वॉश किया है और अच्छे से सब जगह से देखो वॉश कर दिया है। मेहंदी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए बालों में, तो स्कैल्प पे भी कोई ऐसा बहुत भयानक सा कलर नहीं है, लेकिन ठीक है, डिफरेंस है। यहाँ पे देख रहे हो आप, डिफरेंस है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ ये हेयर पैक जो मैंने लगाया है।
इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट रहना चाहते हो, 15 दिन में एक बार कंटिन्यू कर सकते हो। बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप छोटे छोटे बाल जैसे देख रहे हो ना, ये मेरे आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये सब छोटे छोटे बाल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, और ऐसे भी ड्राई होते तो यहाँ पे भी दिखाई पड़ते, छोटे 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 ऐसे बेबी हेयर्स आ रहे हैं। तो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, और मेहंदी जो है वो मेरे बालों को सूट करती है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि सारी चीजें सबको सूट करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने जो मेहंदी घोली थी वो थोड़ी सी बच गई है, अब मैं उसमें क्या करूंगी, थोड़ा अब के बार जो अप्लाई करूंगी 2-3 डेज में फिर से अप्लाई करूंगी, क्योंकि वरना वो खराब हो जाएगी। तो मैं करूंगी क्या, उस पर एक एग डालूंगी। नवरात्र से पहले पहले मुझे ये करके खत्म करना पड़ेगा, ड्यू टू नवरात्र एग्स और ये सब चीजें नहीं चलेंगी घर में। तो और उसमें मैं मिलाऊंगी दही, और छोटा सा वीडियो क्लिपिंग एक शूट करूंगी और किसी व्लॉग में जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मेहंदी एक ऐसा कंडीशनर है जो बालों को ना नेचुरल शाइन देता है। अभी तो आज तो वेदर बहुत ज्यादा ऐसा है जिसमें रोशनी हो ही नहीं रही है, ऐसे सुबह से ही लग रहा है कि शाम हुई हुई है, सुबह हुई ही नहीं है। ये स्टेटमेंट मतलब बहुत अजीब सा था, लेकिन हाँ वेदर ऐसा ही है कि ऐसा लग रहा है सुबह हुई ही नहीं है और शाम हो गई है डायरेक्टली। तो आप देख सकते हो कि नेचुरल लाइट में भी ये काफी अच्छा शाइन कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं लगाया अभी बालों में, अभी ऐसे ही रॉ, मुझे लगा कि ऐसे ही रखते हैं फिल्टर फ्री, क्योंकि जिंदगी हमेशा फिल्टर्स के पीछे छुपे रह करके फिल्टर्ड नहीं चलती, कभी कभी अनफिल्टर्ड रहना भी अच्छा होता है। तो कोशिश करी है, एक प्यारी सी रेमेडी है जिसे आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा पार्लर सेवी नहीं है, जो बहुत ज्यादा सलॉन्स नहीं जाते हैं, वो ये जरूर कर सकते हैं घर में, और जो जाते भी हैं तो मुझे नहीं पता उनको शायद अलाउ होता है नहीं होता है, तो वो अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से प्लीज पूछ करके ही या पैच टेस्ट करने के बाद ही चीजें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। बॉडी प्यार करने के लिए है, बाल स्किन सब प्यार करने के लिए है, एक्सपेरिमेंट का मुद्दा नहीं है। तो बहुत जल्द मिलूंगी किसी नए व्लॉग में कुछ और नया लेकर के, तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ। और इसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है जो जनरल नहीं अवेलेबल हो रहा है, आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा मेरे पास डीएम्स आते हैं इंस्टा पे कि कहां से लिया है वो प्रोडक्ट, तो वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ख्याल रखिए, जिंदगी को रखिए जिंदाबाद, बहुत जल्द मिलूंगी किसी और व्लॉग में।